स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। वो अपना टॉपिक है सिंथेसिस, यानी कि जो सिंथेसिस चैप्टर है ये RBSC 10+2 और CBSE 10+2 दोनों बोर्ड एग्जाम हैं, उनमें इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 क्लास के 12th लेवल के जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी डिमांड थी कि सर एक आप सिंथेसिस का वीडियो जरूर प्लीज डालिएगा। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूँ सिंथेसिस का वीडियो, जैसे कि शायद आपको अच्छी तरह वो समझ आएगा, मेरी ये सोच है। सिंथेसिस का क्वेश्चन RBSC बोर्ड में भी पूछा जाता है, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसका ग्रेड में भी प्रश्न आता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी सिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार डाला गया है, देखा गया आता है, सिलेबस पाठ्यक्रम में इसको डाला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का अर्थ होता है, सामान्य भाषा में मैं कहूँ, होता है जोड़ना। अगर इसको अपन जोड़ना भी कह सकते हैं या संश्लेषण भी कह सकते हैं, संयोजन भी कह सकते हैं, जोड़ना या संयोजन या संश्लेषण। सिंथेसिस एक ऐसी कंसेप्ट है जिसका मतलब है कि दो वाक्यों को जोड़ना। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस की डेफिनेशन लिखते हैं। सिंथेसिस कहता है टू कंबाइन टू और टू कंबाइन टू और मोर देन टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज सेंटेंसेज इन टू। मैं कहना चाहूंगा कि जो सिंथेसिस की डेफिनेशन है वो कहती है टू कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेज इन टू ए सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। यानी कि सिंथेसिस का मतलब जोड़ना है, सिंथेसिस का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ने का अर्थ है कि जो अपना सिंथेसिस में अपन प्रोसेस करते हैं कि हमको दो सिंपल सेंटेंस मिलते हैं, उन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है या फिर एक कंपाउंड बनाना होता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, इसको कहते हैं सिंथेसिस। और इनके जोड़ने की जो विधियाँ होती है वो पर धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही संज्ञान में लाना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना या एक संयुक्त तो वाक्य बनाना या फिर एक मिश्र वाक्य बनाना, इसी को कहते हैं सिंथेसिस। यानी कि हमको दो सिंपल सेंटेंस मिलते हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक या तो सिंपल सेंटेंस बनाए या एक कंपाउंड बनाए या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए, इस प्रोसेस का नाम है सिंथेसिस। अब आप कहो कि सर बनाते कैसे हैं, बनाने की प्रत्येक प्रोसेस पढ़ेंगे ना, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, डोंट वरी, आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, प्रत्येक स्टेप को आसानी से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, क्योंकि 12वीं लेवल के बच्चों के लिए एक बड़ा ये मुश्किल सा टॉपिक है, क्योंकि कुछ नए टर्म्स हैं जो आप लोगों ने देखे नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है उसको धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपन लेंगे कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सिंपल पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कंपाउंड और उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को बात करनी है सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कैसे बनाएं। चलिए बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और एक सिंपल सेंटेंस बनाने की अनेकों विधियां होती हैं, 8 रूल्स हैं दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने का, उन रूल का बारीकी से अपन आज अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे कि सर सिंपल सेंटेंस होता क्या है, यानी कि सिंपल सेंटेंस अपन इसको कहें, तो मैं बता दूं कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप कहोगे सर ये फाइनाइट वर्ब एक नया ही सिस्टम आ गया, यानी कि सिंपल सेंटेंस में एक हैविंग फाइनाइट वर्ब, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसको अपन सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बच्चों की समस्या है कि ये
वर्ब तो सुनी है बट ये फाइनाइट वर्ब क्या चीज़ आ गई। चलिए पहले मैं फाइनाइट वर्ब को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद समझेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ले लीजिए जी, यहाँ पे मैंने वर्ड दिया वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे मैंने दे दिया फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे मैंने लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांट दिया मैंने, एक का नाम दे दिया फाइनाइट वर्ब और एक का नाम दे दिया नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमको ये बताना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। मैंने ये कहा है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। इट मीन्स जब हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इतना तो जाहिर है कि दो वाक्यों में वर्ब तो दो मिलेगी फाइनाइट, और मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो एक जो वर्ब है उसको अपन नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर देंगे। तो चलो बात चल रही थी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो चेंजेबल होती है, इट वर्ब चेंजेबल होती है यानी कि वो परिवर्तित हो जाती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होती। चलिए देखना है कि चेंज कैसे होती। ये चेंज एक तो होती है टेंस के अकॉर्डिंग और एक होती है नंबर के अकॉर्डिंग। नंबर का मतलब वचन हो गया और टेंस जो होता ही है, यानी कि वो क्रियाएं जो टेंस और नंबर के अनुसार चेंज हो जाए उन क्रियाओं को अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब जी इनको समझाने के लिए एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा, तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। और मैंने ये कहा है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो चेंजेबल होती है टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग। चलिए एग्जांपल लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, आई लिव्ड इन सीकर। मैंने कहा कि भाई मैं सीकर में रहता था। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई मैं सीकर में रहता नहीं था, मैं आज भी वर्तमान में सीकर में ही रह रहा हूँ। इस वाक्य को मैं ऐसे लिखूंगा, आई लिव इन सीकर। फिर मैंने कहा कि चलो मैं तो सीकर में रहता हूँ लेकिन राहुल भी सीकर में रहता है। उस सेंटेंस को मैं लिखना चाहूंगा, राहुल लिव्स इन सीकर। फिर मैंने कहा कि राम और श्याम दोनों भी सीकर में रहते हैं, यानी वो भी सीकर में रह रहे हैं। उस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, राम एंड श्याम लिव इन सीकर। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं सीकर में रहता था, पास्ट था, मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज में लिया। यहाँ पे मैंने कहा कि मैं सीकर में भाई रहता हूँ, तो मैंने प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम लिया। ये तो था टेंस का मामला। टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज हो रही है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर मैंने कहा कि राहुल है वो भी सीकर में रहता है, तो देखिए राहुल के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म को यूज में लिया। फिर मैंने कहा राम और श्याम दोनों सीकर में रहते हैं, तो ये जो अपना नाउन फ्रेज बना वो प्लुरल बना, और प्लुरल बनने की वजह से यहाँ पे वर्ब को भी मैंने क्या यूज किया, प्लुरल किया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ तो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है, और यहाँ पे वर्ब है वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो वो क्रियाएं जो टेंस के अनुसार बदल जाती है, वो क्रियाएं जो नंबर के अनुसार बदल जाती है, उन क्रियाओं को अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब हमको ये देखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब फिर कौन सी होती है, तो चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी अपन अध्ययन करेंगे। हम फाइनाइट वर्ब को समझ चुके हैं और अब हमें जाना है नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। चलिए जी ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद मैं लिखना चाहूंगा
नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के संदर्भ में मैंने कहा था कि नो चेंज, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो नंबर और टेंस के अनुसार कभी चेंज नहीं होती। जैसे देखिए, लिखते हैं आई वॉन्ट टू ईट बनानाज, आई वॉन्ट टू ईट बनानाज, मैंने कहा कि मैं केले खाना चाहता हूँ। दूसरा सेंटेंस दिया ही वॉन्टिड वॉन्टिड टू ईट बनानाज, वो केले खाना चाहता है, नहीं केले खाना चाहता था। या फिर मैंने लिया दे वॉन्ट टू ईट बनानाज। नेक्स्ट सेंटेंस लिया मैंने ही वॉन्ट वॉन्ट्स टू ईट बनानाज। अब इन सेंटेंस को ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है आई वॉन्टेड टू ईट बनानाज, हिंदी अर्थ हुआ कि मैं केले खाना चाहता था, यानी मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा वाक्य कह रहा है ही वॉन्टेड टू, सॉरी पहला प्रेजेंट का था, आई वॉन्ट टू ईट बनानाज कि मैं केला खाना चाहता हूँ। दूसरा कहता है ही वॉन्टेड टू ईट बनानाज, वो केले खाना चाहता था, यानी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था तो मैंने यहाँ पे वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को यूज में लिया। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो मैंने यहाँ वर्ब की पास्ट फॉर्म को यूज ले लिया। तो ये देखिए टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब है अपना रूप बदल रही है, इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब इस वर्ब को देखिए दे वॉन्ट टू ईट बनाना और ही वॉन्ट्स टू ईट बनाना, यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ नंबर का। जो दे है वो प्लूरल नंबर है और जो ही है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये होता ही है कि अगर जो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल आती है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया मैंने, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर था तो वर्ब भी मैंने कौन सी लगाई, सिंगुलर लगाई। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो नंबर के अनुसार अपना रूप चेंज कर रही है, मतलब जो वोंट क्रिया है वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन एक क्रिया को हम और देख रहे हैं बारी बारी से, ये देखिए जी टू ईट टू ईट टू ईट और टू ईट, यानी कि चाहे कोई टेंस हो चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई काल की बात हो रही हो, ये क्रिया अपना रूप चेंज नहीं कर रही और इस क्रिया को अपन कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो शायद आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को अच्छी तरह से समझ गए कि वे क्रियाएं जो टेंस और नंबर के अनुसार अपना रूप चेंज करती है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो क्रियाएं टेंस और नंबर के अनुसार अपना रूप चेंज नहीं करती उनको अपन कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो अपना मेन मकसद था वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे कि अपन टू सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं, यानी कि हमारा पूरा मैटर तो ऐसे चलेगा, पूरा सेंटेंसिस की कंसेप्ट ही भी कि टू सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, टू सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और तीसरा कहता है कि टू सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और इस प्रकार सेंटेंस चेंज करने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है सेंथेसिस। और सेंथेसिस का हिंदी अर्थ होता है जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़कर या तो हम सिंपल बना रहे हैं या हम कंपाउंड बना रहे हैं या हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो तीनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती। पहले मैंने कहा था आज हम सीखेंगे कि दो वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और मैंने ये कहा था कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो चलिए एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं अपन, इस प्रकार दो सिंपल सेंटेंसेज को बनाकर एक सिंपल सेंटेंसेज बनाना है। जैसे एक वाक्य लिया शी ओपन्ड, शी ओपन्ड द डोर, फिर मैंने दिया शी सॉ स्नेक। मैंने जी आपके सामने दो सेंटेंस रखे हैं, सी ओपन्ड द डोर शी सॉ ए स्नेक, सेंटेंस कितने हुए, सेंटेंस हुए टू। और मैंने ये कहा है कि दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना तो सिंपल भी बन सकता है दो से, कंपाउंड भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, और सेंटेंस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं।
दो सिंपल सेंटेंस से एक सेंटेंस सिंपल बनाएं, तो मेरा कहने का मतलब था कि सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो देखिए दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में फाइनाइट वर्ब कितनी हो गई, तो ये हो गई एक फाइनाइट वर्ब, ये हो गई। तो कौन सा रूल लगाएं कि अपन एक जो फाइनाइट वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दें और एक वर्ब को क्या रखें, फाइनाइट रखें। तो उन रूल्स को प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंस को आज हम एक सिंपल सेंटेंस में बदलना का जो प्रोसेस है वो सीखेंगे। और मैंने ये कहा है कि दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंसेज बनाने के जो टोटल रूल्स हैं वो 8 रूल्स हैं। उनका बारी बारी से हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज लेते हैं पहला रूल कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और लियो जी आपके सामने पहला जो रूल है वो है बाई यूजिंग पार्टिसिपल, बाई यूजिंग पार्टिसिपल, यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो जिस क्रिया को पार्टिसिपल हम बनाएंगे वो क्रिया जाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जितनी भी आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं, यानी कि 13 मॉडल हो गए, 11 जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वो 24 की 24 क्रियाएं फाइनाइट वर्ब में आती हैं, और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म वाली क्रियाएं भी फाइनाइट में आती हैं। अब नई चीज आ गई आपके लिए, बाई यूजिंग पार्टिसिपल। आप कहोगे सर कि पार्टिसिपल क्या चीज़ है, आपका कहना भी जायज है क्योंकि आपके लिए न्यू न्यू कंसेप्ट है पार्टिसिपल। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन चीज़ों पे गौर करते जाएंगे, हर कंसेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। चलिए बात करते हैं पार्टिसिपल की, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल का पहला रूल कहता है, पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव। जो पार्टिसिपल हैं वो वर्ब से बनने वाले विशेषण हैं। जी मैंने ये कहा है कि दो सेंटेंस हमको मिलेंगे तो एक सेंटेंस की तो फाइनाइट वर्ब रख लेंगे और एक वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। अब आप सोच रहे हैं कि चेंज कैसे कर देंगे, इन द एंड वीडियो को देखिए पता चल जाएगा किस प्रकार चेंज करते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं उनको अपन वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि वो विशेषण का काम करेंगे। और एक वर्ब पार्टिसिपल में चेंज हो गया, विशेषण का काम करने लग गई, तो फिर अपने पास फाइनाइट वर्ब कितनी बची, एक ही बची। और सिंपल सेंटेंस क्या कहता है कि मेरे को एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो पार्टिसिपल है वो वर्बल एडजेक्टिव है। आप कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव कैसे, देखिए मैं क्लिक, जैसे स्माइल एक क्रिया है, स्माइल क्रिया है, अगर मैं स्माइल के साथ आईएनजी लगा के ऐसे लिख दूं स्माइलिंग फेस, तो फेस क्या हुआ, नाउन हुआ चेहरा, और स्माइलिंग क्या हुआ, मुस्कुराता हुआ या हंसता या रोता हुआ, मुस्कुराता हुआ। स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराता हुआ। तो बना ना स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इन्हें एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पार्टिसिपल्स वो वर्ब हैं जो एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो पहला रूल ये हुआ कि पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव। चलिए दूसरी चीज लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या कहते हैं, कि हमको किस प्रकार आपको यूज लेना है और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा जो रूल है पार्टिसिपल के संदर्भ में वो कहता है, वी कैन यूज पार्टिसिपल टू कंबाइन, वी कैन यूज पार्टिसिपल टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस टू वन सिंपल सेंटेंस व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंस आर सिमिलर, आर सिमिलर। देखिए समझा दूंगा मैं क्या लिखा है। पहला ये मैंने ये बताया था कि जो पार्टिसिपल हैं वो वर्बल एडजेक्टिव होते हैं। दूसरा रूल ये है कि दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें जो दो सेंटेंस हमको मिलेंगे जिनको मिलाकर हमको एक सेंटेंस सिंपल बनाना है, तो दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो समान होने चाहिए। यानी कि जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था, शी ओपन्ड
दैट डोर, उसने दरवाजा खोला. सी शो ए स्नेक, उसने एक सर्प देखा. यानी दोनों का सेंटेंस क्या है, मैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब का एक ही है, यानी एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है. तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी, वी कैन यूज पार्टिसिपल, कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं टू कंबाइन, जोड़ने के लिए टू सिंपल सेंटेंसेस, दो साधारण वाक्यों को इन टू वन सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस में वैन सब्जेक्ट ऑफ, वैन सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंसेज आर सिमिलियर, जब दोनों सेंटेंस हम मिलेंगे, उन दोनों सेंटेंस की अगर जो वर्ब के सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन है वो सिमिलियर होना चाहिए, तो उस सेंटेंस को अपन पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. चलिए पार्टिसिपल के संदर्भ में तीसरा रूल लिखते हैं कि पार्टिसिपल क्या है. तीसरा नियम कहता है पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स आर थ्री इन नंबर. पार्टिसिपल हैं वो संख्या में कितने हैं, तीन हैं. कौन कौन से, उनके मैं नाम लिख देता हूँ. पहला जो पार्टिसिपल है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. दूसरा जो पार्टिसिपल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, और जो तीसरा पार्टिसिपल है वह है अपना पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. मैंने ये कहा था कि दो सिंपल सेंटेंस, तो मेन फंडा यही है जी, हमको दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाते हुए हमें एक सिंपल या एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और उनके बनाने के अलग अलग रूल जो होते हैं. मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न, हम सीखेंगे हाउ टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ वन सिंपल सेंटेंस, कि दो सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं. और उसके लिए मैंने कहा था कि ये सात आठ रूल जो होते हैं उनका प्रयोग करते हुए हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, और उनमें पहला रूल था बाय यूजिंग पार्टिसिपल. तो मैंने थोड़ा पार्टिसिपल का बखान किया कि पार्टिसिपल होता क्या है. मैंने कहा कि पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होता है. पार्टिसिपल का यूज अपन कब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंसेस के जो वर्ब के सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है वो सिमिलर होने चाहिए, तब अपन उनका यूज कर सकते हैं. पार्टिसिपल संख्या में कितने हैं, तीन है. प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. अब आप कहोगे सर हमने तो यही बताया था आपने कि पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव, आपने तो ये तीन बता दिए, एक एक बारी बारी से लेंगे. पहले हम ये समझेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब व कैसे जोड़ते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे व कब जोड़ते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल से कब व कैसे जोड़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो को हम छोड़ देते हैं और हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि दो हमको सेंटेंस मिलेंगे. जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वही वाक्य ले लेते हैं. शी ओपन्ड द डोर, शी सॉ अ स्नेक, उसने दरवाजा खोला, उसने एक सर्प देखा. हमारा मकसद ये था कि पार्टिसिपल का यूज हम तब कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, सी, और यहाँ पे बेन में निकाल दिया सी. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने जा रहे हैं, उन सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें एक साथ दो एक्शन जारी हो, एक साथ दो एक्शन जारी हो. जैसे देखिए ये जो लड़की, इसने दरवाजा खोला, फर्स्ट एक्शन, और दूसरा कह रहा है कि उसने क्या देखा, सर्प देखा. तीसरा ये भी ध्यान में रखना है, अब ये जो दो एक्शन हो रहे हैं ना, ये दोनों एक्शन बड़े फास्टेस्ट हैं, बहुत जल्दी हो रहे हैं, यानी दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है. एक सेंटेंस में ये कहूँगा आपको कि आई टुक माई लंच, मैंने अपना खाना लिया, एंड वेंट टू ऑफिस, और मैं स्कूल चला गया. इन दोनों एक्शन के बीच में गैप भी हो सकता है, दोनों के बीच में गैप भी हो सकता है. जैसे माई मदर कुक्ड फूड, फिर दूसरा वाक्य लिया शी वेंट टू ऑफिस, और वो ऑफिस चली गई. इन दोनों एक्शन के बीच में गैप है, वो ज्यादा भी हो सकता है. पर यहाँ पे देखिए, इन दोनों एक्शन के बीच में गैप आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा. यानी कि ऐसे सेंटेंस हमको मिले जिनमें दो एक्शन एक साथ हो रहे हों, दोनों के सब्जेक्ट अलग हों, तो हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, और दोनों एक्शन के बीच में गैप बहुत कम हो तो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है. अब आप ये कहेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है.
प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाने से, यानी वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके साथ आई एन जी लगा दीजिए और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो किसका काम करेगा, विशेषण का काम करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो काम जो एक्शन पहले होगा उस क्रिया को हमें पार्टिसिपल में चेंज कर देना है, और पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे तो वो क्रिया तो एडजेक्टिव बन गई और दूसरी क्रिया फाइनाइट रह जाएगी। तो हमने यही तो बात की है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है और दूसरी को कोई भी तरीका लगा के अपन उसको नॉन फाइनाइट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का अपन यूज करते हैं। मैंने ये कहा था कि जो काम पहले होता है उस काम में उस क्रिया को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दीजिए। उसने दरवाजा खोला पहले, उसके बाद सर्फ देखा, तो पहले दरवाजा खोलने का काम हो रहा है और इस सेंटेंस की वर्ब ओपनड है, तो इस क्रिया को अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो ओपनड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ओपन, और इसके साथ क्या लगा दें, ओपनिंग द डोर। और इस पार्टिसिपल को आप उस नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले रखेंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है। तो देखिए पहला सेंटेंस अपना पार्टिसिपल में चेंज हो गया, ओपनिंग द डोर। दूसरा सेंटेंस हु बोली थी, कोमा लगाना जरूरी है, पहला जो इसका आपने जो बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल ओपनिंग द डोर, सी सॉ ए स्नेक। अब ये जो वाक्य है इस वाक्य को हमने एक वाक्य बना दिया है और ये है सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की प्रत्येक विशेषता को ये कंप्लीट कर रहा है। मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तो फाइनाइट वर्ब इसमें शो एक ही बची, और दूसरी जो फाइनाइट वर्ब थी ओपन उसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके और पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में चेंज कर दिया, पार्टिसिपल फ्रेज। ओपनिंग द डोर शी, यानी इस लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, इस लड़की की विशेषता बता रही है कि इसने दरवाजा खोला और उसने क्या देखा, सर्प देखा। तो इस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके अपन दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंसेस में बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कहता है कि मैं उन दो एक्शन को जोड़ने का काम करता हूँ जो एक साथ हो रहे हैं, दोनों सेंटेंस में दो एक्शन हो, एक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ उसे तुरंत पाले, उसके तुरंत खत्म होते ही दूसरा सेंटेंस का एक्शन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, मैंने दूसरा सेंटेंस दिया, शी शो ए स्नेक, उसने एक सर्प देखा, शी रन अवे, वो भाग गई। जैसे ही उसने सर्प देखा वो वहां से भाग गई। आप कहोगे सर दोनों एक्शन के बीच में गैप नहीं है, गैप कैसे हो सकता है भाई, सर्प देखा कोई वेट थोड़ी करेगा, तुरंत ही भागेगा, शेर देखा कोई गैप थोड़ी वेट थोड़ी करेगा, तुरंत भागेगा, क्यों डर के मारे भागता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है इसमें देखिए पार्टिसिपल की डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों सेंटेंस की जो वर्ब है उसका कर्ता समान है, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, तो हम दोनों सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंसेज बनाने जा रहे हैं, वो भी पार्टिसिपल का यूज करते हुए। और पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इन तीनों में भी डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आप इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, या ऐसे भी हो सकता है कि कंबाइन इन सिंपल सेंटेंस, कि दोनों सेंटेंस को जोड़ के क्या बनाइए, सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो हमको हर तरीके से तैयार रहना है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाने से बनता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में चेंज करके दूसरी को फाइनाइट वर्ब रख लेते हैं। लेकिन कई बार इतना लिख दिया जाता है कंबाइन इन सिंपल सेंटेंस, यानी कि दोनों को एक जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से रूल को मैं यहाँ पे काम में लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि दोनों के वर्ब के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, तो मैं पार्टिसिपल काम में ले सकता हूँ, बट पार्टिसिपल में कौन सा, प्रेजेंट पास्ट या फिर परफेक्ट, इसके लिए इस एक्शन को देखना होगा, ये जो दोनों एक्शन हो रहे हैं इसके बीच में गैप नहीं हो बिल्कुल भी, एक काम पूरा होती तुरंत दूसरा काम शुरू होना स्टार्ट हो रखा हो, तो उसमें अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अगर इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए
यानी कि पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हो गई शी, और उसके साथ अब को लगाना पड़ेगा आई एच, सीइंग ए स्नेक। अब क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा, यानी कि कोमा लगाना पड़ेगा, सीइंग ए स्नेक शी रन अवे, शी रन अवे, सर्प को देखते ही वो क्या कर गई, भाग गई। अब इसमें जो पहले वाला सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब थी ना, इसको हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज में चेंज कर दिया, और पार्टिसिपल जो फ्रेज होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब बची, वो है रन, मतलब ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसका एक रूल और लेते हैं, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं डाली जाती है, जैसे मैं वाक्य लेता हूँ यहाँ पे बी वर्ब डाल दिया, जैसे ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी वीक, ही कांट रन फास्ट, ये वाक्य देते हैं। और ये वाक्य देने के बाद लिखा जाता है कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। अगर ऐसा है तो हमें कंफर्म है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो तो जो काम पहले होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। यदि इसमें तो क्रिया है वो वोज है, और वोज के साथ में आईएनजी कैसे लगाऊं, तो ये बी वर्ब है और ये एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन क्रिया वो होती है जिसमें जब कोई कर्ता काम करता है तो उसका फल ऑब्जेक्ट भी जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें जो फल है वो इसके स्वयं के ऊपर गिर रहा है, यानी वो कोई काम करने से थक नहीं रहा, बल्कि वो खुद ही क्या रहा, थक रहा, उसको खुद भी कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए एक्शन वर्ड वर्ब नहीं है। जैसे मैंने लिखा ही इज डांसिंग, यानी कि वह नाच रहा है, ये एक्शन वर्ब, ही इज डांसिंग, क्या कर रहा है, वो नाच रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है, यानी कुछ न कुछ कर रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज डांसिंग, वी आर मेकिंग टी, हम चाय बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। अगर ऐसी वर्ब आती है, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, इसमें ये स्वयं कुछ है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, और ये जो बी वर्ब के रूप में काम में ले ली जाती है। और बी वर्ब कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दो सेंटेंस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है, और हमको कहा जाता है कि यहाँ पे आपको बी वर्ब मिलेगी, बी वर्ब में आता है इज, आर, एम, वोज, वर, यानी यहाँ पे जो क्रिया है ये खुद ही मैन वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही। तो ऐसी कंडीशंस में बी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए अपन बीइंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, बीइंग का यूज किया जाता है। जैसे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करें तो कन्फर्म है जो पहली क्रिया है उसको अपन आईएनजी बनाते हैं, तो वोज का क्या हो जाएगा, बीइंग, और वेरी वीक का आ जाएगा, वेरी वीक। उसके बाद हमको कोमा लगाना है, बीइंग वेरी वीक, कोमा के बाद नेक्स्ट वाक्य आप उतार दीजिए, ही कांट रन फास्ट, ये दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का तरीका कि भी यहाँ पे हमको एक्शन वर्ब नहीं मिलके कोई बी वर्ब मिल जाए। चलिए एक सेंटेंस में आपके लिए बी वर्ब वाला और डालता हूँ जिसमें एक्शन वर्ब नहीं है, और आप उसको चेंज करके देखिए, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो सिंपल सेंटेंस दे दिए मैंने, दो सिंपल सेंटेंस देने के बाद मैं कहता हूँ कि दोनों सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और ये फंडा पहले से ही क्लियर है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब कितनी होती है, एक ही होती है, तो हमें एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो आपने कहा कि भाई आईएनजी तो मुझे इस वर्ब के साथ लगाना है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं बीइंग, बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेम वाक्य है, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें देखिए आप
ये जो फ्रेज बनी, ये बनी पार्टिसिपल फ्रेज, और ये पार्टिसिपल फ्रेज है वो इसी को क्वालिफाई कर रही है कि ये लड़का है वो बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है, इसलिए किसका काम यह क्या कर सकता है, इस पर्सन को हल कर सकता है, इस पजल को हल कर सकता है। तो ये जो अपन पार्टिसिपल बना रहे हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और एडजेक्टिव कभी भी फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करता। तो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट, प्रेजेंट तो हमने कर लिया, नेक्स्ट अपना है परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले तो ये बात करेंगे कि भाई परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल का नाम आते ही हमारे दिमाग में तीन प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये उठा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सेंटेंसेज को परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ा जाएगा, और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि फिर कौन सी वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करें, पहले सेंटेंस की या दूसरे सेंटेंस की। चौथा प्रश्न ये रेज होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को कौन से सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब मैं यही तुरंत इमीडिएटली आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल ये था कि परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है, आईएनजी लगाते हैं जो रूट वर्ब अपनी बेसिक जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म के साथ, उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हुआ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। दूसरा प्रश्न ये था अपना कि परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल किसी काम की पूर्णता को दर्शाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब कोई काम की पूर्णता हो रही हो, वो भी अपन वाक्य लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ये था कि भी वाक्य तो हमको दो मिलेंगे, दो वाक्यों में से कौन सी फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करने के लिए मैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करूं। तो जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन वाली वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करें। तीसरा रूल आपने ये उठाया है, आपके दिमाग में प्रश्न शायद ये उठा होगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल से कौन सी सेंटेंसेज को जोड़ा जाए। परफेक्ट पार्टिसिपल से उन दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है जिनका सब्जेक्ट सेम हो, यानी दो सेंटेंस मिलेंगे दोनों में वर्ब का जो सब्जेक्ट है चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तो उन एक्शन के लिए किया था, एक्शन तो दो थे जिनमें पहला एक्शन खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा एक्शन क्या हो गया, शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा था कि उसने दरवाजा खोला, उसने सांप देखा, दूसरा एक्शन फास्टेस्ट एक्शन है, बहुत जल्दी हो रहे हैं। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें पहला जो सेंटेंस मिलेगा वो काम की पूर्णता को दर्शाएगा, और इतना फास्टेस्ट एक्शन दोनों में नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, आई टुक माय लंच, कि मैंने लंच किया। आई वेंट टू ऑफिस, और मैं कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। यहाँ पे लिखा जाता है कि आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कीजिए, आसानी से कर लेंगे। मैंने कहा था कि परफेक्ट पार्टिसिपल कार्य की पूर्णता को दर्शाता है, तो देखिए इसमें कार्य की पूर्णता है। आई टुक माई लंच, यानी मैंने लंच कर लिया था, और उसके बाद मैं कहाँ गया था, ऑफिस गया था। पिछले वाला वाक्य कह रहा था कि मैंने दरवाजा खोला और दूसरा एक्शन तुरंत ही शुरू हो गया, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। यानी कि जो गैप है दोनों एक्शन के बीच में वो ऐसा लग रहा है कि तुरंत दूसरा एक्शन शुरू नहीं हो रहा। इस कंडीशंस में अपन परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और मैंने कहा था कि जो कार्य पहले होता है उस वर्ब को आप परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके नॉन फाइनाइट वर्ब बना दीजिए, और फिर हमारे पास फाइनाइट वर्ब कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। और जिस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो वो स्वयं सिद्ध है, वो हमेशा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। शायद आप आसानी से इन कंसेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। चलिए इसको अपन चेंज करते हैं, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे अपन इस वर्ब को, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज हो जाएगी।
और ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का करेगा, क्योंकि सभी पार्टिसिपल एडजेक्टिव का तो काम करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का बनाने का तरीका है हैविंग, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म देनी है मेरे को, थर्ड फॉर्म देनी है, ये तो फर्स्ट सेकंड है, हैविंग टेकन माई लंच, इस फुल स्टॉप को हटाना है बच्चों, और यहाँ पर हमको क्या लगाना है, कोमा लगाना है, हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। यानी कि अब देखिए ये जो पूरी की पूरी पार्टिसिपल फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, और इसको तुरंत मैंने उस व्यक्ति से पहले रखा है जिसके बारे में ये कह रहा, इसने कहा कि मैंने अपना लंच लिया, लंच करते हुए मैं कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं अपने इसकी, मैंने सेंटेंस दिया माई मदर कंप्लीटेड हर वर्क, मेरी माता जी ने अपना कार्य पूर्ण किया, सी वेंट टू टेम्पल, शी वेंट टू टेम्पल, और वो कहाँ चली गई, मंदिर चली गई। ये जी दो सेंटेंस हुए, दोनों सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसके लिए कुछ रूल्स अपन देख रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से मेथड को प्रयोग में किया जाता है, और अपना पहला रूल चल रहा है पार्टिसिपल का, इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस एक्शन में काम की पूर्णता है, उसकी माने अपना काम पूरा किया और उसके बाद वो कहाँ गई, मंदिर गई, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है इस वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और वो काम करेगा एडजेक्टिव का, तो ये वाक्य बनेगा हैविंग कंप्लीटेड, हर वर्क कॉमा शी वेंट टू टेम्पल। देखो बच्चों अगर यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क सी की जगह मैं माई मदर लिखूं तो बेटर रहेगा, बट अपन सी करते हैं तो भी वो सेंटेंस गलत नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं। मैंने कहा कि हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, अपने काम को पूर्ण करते हुए, और वो कहाँ चली गई, ऑफिस चली गई, तो ये था अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक स्ट्रक्चर और है, देखिए एक वाक्य और देता हूँ मैं, शी वाज अवार्डेड बाई द पीएम, शी फेल्ट हैप्पी। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए आप स्ट्रक्चर को, पहला वाक्य कह रहा है माई मदर कुक्ड हर सॉरी माई मदर कंप्लीटेड हर वर्क सी वेंट टू टेम्पल, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि इसमें कर्ता कुछ कर रहा है, जो बोल रहा है स्पीकर की जो माता जी है उसने अपना काम पूरा किया। इस सेंटेंस को देखिए, शी वॉज अवॉर्डेड बाई द पीएम, ये कुछ नहीं कर रहे, इसको प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, सम्मानित किया गया, अवॉर्डेड किया गया, इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म है, एक्टिव वॉइस का वाक्य नहीं है, पैसिव वॉइस का वाक्य है, और उसके बाद सम्मान करने के बाद वो बहुत क्या थी, खुश थी। तो हो सकता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ने के लिए मैं दो सेंटेंस देने में यहाँ पे एक्टिव वॉइस का वाक्य भी आता है, पैसिव वॉइस का भी आ सकता है। अगर पैसिव वॉइस का वाक्य आए तो हमें क्या चेंजेज करने, देखो रूल तो भाई चेंजेज इतना करना है, हैविंग बीन अवार्ड, हैविंग बीन अवार्डेड बाई एम कोमा, पिछली बार हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, अब की बार आप जानते हो बेटा कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें बी वर्ब डेफिनेटली आ, तो ये जो बी इन बिन थर्ड फॉर्म के रूप में बिन को मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, हैविंग बिन अवार्डेड बाय पीएम सी फेल्ट हैप्पी, सी फेल्ट हैप्पी, ये था बच्चों आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का प्रयोग तो दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंसेस बनाने में किया जाता है, बट उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको क्लियर करने के लिए दो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ,
और आप नोट डाउन कीजिए, खुद बना के देखिए कौन से में हो सकता है कि आपको प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल नाम नहीं दिया जाए। जो डेवलप्ड लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें तो दिया जाता है लमसम, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कीजिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कीजिए। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है तो पहली वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है तो जो कंप्लीटनेस जो वर्ब दिखा रही है उसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमको दो सेंटेंस सेंस डाल दिए जाए और उनमें ये नहीं बताया जाए कि कौन सी पार्टिसिपल का आप यूज करेंगे। तो थोड़ा इस कार्य को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए मैं दो वाक्य आपके लिए लिखता हूँ, आप हल करके देखिए। देखिए कि हियर्ड अ नॉइज, ही केम आउट, ही केम आउट, जी मैंने कहा है सिंपल सेंटेंस। मैंने कहा कि मैंने आपको दो सेंटेंस दे दिए, दोनों सिंपल हैं और सिंपल सेंटेंस तो सिंपल ही रहेंगे, चाहे आप कंपाउंड बनाए, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाए, चाहे सिंपल बनाए। हो सकता है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल बनाए, दो सिंपल को मिलाकर एक कंपाउंड बनाए, और दो सिंपल को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए। आई हैव गिवन यू टू सिंपल सेंटेंसेज, मैंने आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएं, और वो भी किसका यूज करके, पार्टिसिपल का। अब आपको यहाँ पे ये कहा नहीं जाए कि भी कौन सी पार्टिसिपल का यूज करना है, तो आप थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा, दोनों एक्शन की प्रवृत्ति को देखिएगा। क्या एक एक्शन पूरा होने के तुरंत बाद दूसरा होने का भाव हो रहा है, या एक एक्शन कंप्लीट है और उसके बाद थोड़ी दूसरे एक्शन में ज्यादा तीव्रता नहीं है। दूसरा सेंटेंस है, राहुल रंग वेंट टू लाइब्रेरी, राहुल ने चाय पी और वो कहाँ चला गया, लाइब्रेरी चला गया। तो इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कौन से पार्टिसिपल का यूज करना, मैं ये कहूँ कि आपको पार्टिसिपल का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो पहले सेंटेंस में आप कौन सा पार्टिसिपल यूज लेंगे, दूसरे में कौन सा लेंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर जो पहला सेंटेंस है ना उसमें देखिए कि हियर्ड ए नॉइज, उसने एक शोर सुना, कैम आउट, अचानक की क्या आ गया, बाहर आ गया, यानी कि भाव ऐसा लग रहा है। और ऐसे भाव में दोनों एक्शन में तीव्रता ज्यादा हो तो अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अगर पहले वाक्य में काम की पूर्णता दिखाई दे रही, राहुल ड्रंक टी, राहुल ने चाय पी, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, उसके बाद वो कहाँ चला गया, लाइब्रेरी चला गया, इस वाक्य में काम की पूर्णता को देखते हुए, दोनों एक्शन के बीच में गैप को देखते हुए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो वाक्य कैसे बनेंगे, ये बनेगा hearing a noise, comma, he came out, यानी कि इस व्यक्ति ने कोई शोर शराबा सुना और सुनते ही तुरंत वो कहाँ गया, बाहर आ गया। तो इस वाक्य में finite verb एक ही बची came out, और इसको हमने participle phrase में क्या कर दिया, change कर दिया, जो इस pronoun के adjective के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और participle कभी भी finite verb नहीं होता, इसलिए सिंपल सेंटेंस की जो पूरी की पूरी विशेषता है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब बची। इसमें यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, तो क्या लिखेंगे, हैविंग, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, हैविंग ड्रंक टी वेंट टू लाइब्रेरी। देखिए बच्चों, चाय पीने का काम किसने किया, ही ने किया, और ही की मतलब क्वालिफाई कर रहा है ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फ्रेज है, और वो जो कोई भी फ्रेज या कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी कोई एक्स्ट्रा जो विशेषता है वो बताएं, एक्स्ट्रा गतिविधि को बताएं, तो वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस प्रकार अपना बन गया ये सिंपल, पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस। और ये दो सिंपल सेंटेंस थे, एक तो ये था, दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया, इसको कहते हैं सिंथेसिस। अब अपना पार्टिसिपल एक बचा है, वह पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बोथ ऑफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 10+2 लेवल की जो एग्जाम है उनमें तो प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल को मोस्टली पूछा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल को ज़्यादा नहीं पूछा जाता,
चलिए लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल की भी बात कर लेते हैं, वो क्या है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल को देखते भी आपके दिमाग में वही प्रश्न उठेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट परफेक्ट का पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। जैसे आई हैव लॉस्ट माई बैग, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मैंने कहा आई फाउंड माई लॉस्ट बैग, बैग से पहले लॉस्ट लगा दिया, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एडजेक्टिव का भी काम करती है। पहला रूल ये हुआ कि पास्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा, आप कहेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं, जब दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तब करते हैं। तीसरा, इसकी विशेषता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करने के लिए दोनों सेंटेंसेज का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि पार्टिसिपल तो हमेशा ही किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का ही करते हैं। दीज आर वर्बल एडजेक्टिव, ये क्रिया से बनने वाले क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं, आई आई सॉरी दूसरा मैं सेंटेंस लेता हूं, आई हैव found my lost bag. मैं जो पीछे की एग्जाम्पल बोल रहा था उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि I have found my lost bag. अब देखिए एक वाक्य लिखता हूँ, I have lost my bag. इसमें देखिए lost verb की थर्ड फॉर्म है, एक्शन वर्ब है, मैंने अपने बैग को क्या कर दिया, खो दिया। ये वाक्य कह रहा है आई हैव फाउंड माई लॉस्ट बैग, ये बैग है वो नाउन है, और ये कह रहा है कि मेरे को मेरी खोई हुई बैग क्या कर गई, मिल गई। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और जो पास्ट पार्टिसिपल सॉरी जो फॉर्म होती है वो हमें एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है। और यही मैंने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सर एडजेक्टिव का काम कैसे कर सकती है, वो इस वाक्य में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो वर्ब का काम कर रही है, और यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ने का प्रयास करते हैं, आई सॉ अ डॉग, डॉग वॉच, या इट लगा देता हूँ, आई शो ए डॉग, इट वॉच वाउंड इट, और जो कुत्ता था वो क्या टेल था। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ऐसा करते हैं अपन, एक जो वर्ब है वो किसी नाउन के पहले लगाकर उसके एडजेक्टिव के रूप में क्या ले लेते हैं, यूज ले लेते हैं। जैसे ये वाक्य देखिए, इस वाक्य को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा आई शा ए डॉग, एक मैंने कुत्ता देखा, और ये कुत्ता क्या था, घायल था। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मैंने घायल कुत्ता देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, वाउंडेड डॉग, दो बच्चों, यहाँ पे जो वाउंडेड थी वो वर्ब के रूप में काम कर रही थी, और यहाँ पे हो गया वाउंडेड डॉग यानी घायल कुत्ता। तो यहाँ पे कुत्ते की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट जो पार्टिसिपल होता है वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल का एक